आज का गोंडा जिले का गावी घाट का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है इस जिले की प्रगति के लिए, इस जिले के विकास के लिए। मैं यहाँ के लोकप्रिय सांसद माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी का, लोकप्रिय विधायक श्री वर्मा जी का और सभी जनप्रतिनिधिगण का, सभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके प्रयासों को मैं नमन करता हूँ, जिनके प्रयासों के चलते इस पिछड़े इलाके में, गोंडा जिले के भी एक अति दुर्गम और दूरस्थ इलाके में इतना बड़ा एक सब स्टेशन बना है। माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से, हमारे शासन की कृपा से ये बना है और बहुत ही तीव्र गति से काम कराते हुए हम लोगों ने इसको उपजीकृत किया है। आप सबको, गोंडा की जनता को भी बधाई। जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा, पहले ये क्षेत्र बिजली लेने के लिए परेशान था, अब ये क्षेत्र जो है वो गोंडा जिले को, जिले मुख्यालय को भी बिजली देने में सक्षम हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं मानता हूँ कि यहाँ के विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत ही सुचारू हो जाएगी। उसके लिए मैं गोंडा जिले की 45 लाख जनता को वो कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, समाज के निचले पायदान को उठाने की बात सरकार करती है, लेकिन मध्य वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके कल्याण के लिए कोई कदम है सरकार की? मध्य वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, आपकी जानकारी में होगा ही। रही बात निचले पायदान पे रहने वाले व्यक्ति की मदद करने की, तो वो हमारी सरकार का, हमारे देश का, हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। हम उनका पहले ध्यान रखते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और बहुत सारे सरलीकरण किए गए हैं, जिनकी वजह से मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत बहुत अड़चनें आती थी। उदाहरण के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सांसद जी जिस सरकार में बैठते हैं, लोक संसद में बैठते हैं, वहाँ ईज ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग का एक बहुत बड़ा मंत्र लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। जो छोटे छोटे सामान थे, जैसे मैंने बताया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, वोकल फॉर लोकल बनाने का, ये सारे के सारे काम हमारे मध्यम वर्ग के लोग करते हैं। चाहे छोटा दिए का उत्पादन हो, चाहे गणेश जी का मूर्ति का बनाना हो, चाहे छोटे उद्योग का सामान बनाना हो, व्यापार का सामान बनाना हो, ये सारे काम हमारे मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। उसी में लोग नौकरी करते हैं, उसी में रोजगारी पाते हैं। इन सब को आपको मालूम है कि पूरे विश्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में है। इसलिए मध्यम वर्ग का के हितों पर भी पूरा पूरा ध्यान है, लेकिन साथ ही निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का विशेष ध्यान। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, 1962 को चाइना ने युद्ध शुरुआत किया था लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, आज ही के दिन उन्होंने हमला किया था, हजारों सैनिक हमारे, सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। सर, चाइना के से आज भारत के संबंध कैसे होने चाहिए, और हमारी जिस तरह से वो चाइना के सामान आयात होते हैं, दीपावली आने वाली, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चाइना से जो सामान आता है उसके बारे में मैंने जैसा कहा, ये बात सच है और चिंता का विषय था और है कि हमारे देश की बहुत पारंपरिक चीज़ें, जो दिया बनाने का, हमारा कुम्हार दिया बनाता था, हमारे मूर्तिकार जो हैं वो पूजा की मूर्तियां बनाते थे, चाहे गणेश भगवान की मूर्ति हो चाहे अन्य मूर्तियां हो, ऐसे हजारों सामान ऐसे थे जो हमारी, हम लोग बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं कि हमारा कुम्हार उनको बनाता था। लेकिन ये भी हम साथ में अब देख रहे थे कि वही सारे सामान कुम्हारों के जो चक्के थे वो बंद पड़ गए और विदेशों से वो सामान आने लगे। ये चिंता का विषय था, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत पहले अपने भाषणों में कहा है, विशेष रूप से जब कोरोना आया था और आत्मनिर्भर भारत की जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इसी मंशा के साथ दिया था कि भाई हम अपने जरूरत के सामान, अपने सामान जो है, और वो भी जिन सामानों का उत्पादन पूर्व में यहाँ होता था, ऐसे सामानों को हम कृपा करके बाहर के सामान न उपयोग करें। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने ही दिया था। देखिए, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारी फैक्ट्रियाँ अच्छी चलेंगी, हमारे उद्योग अच्छे चलेंगे, जब हमारे लोगों को उन फैक्ट्रियों उद्योगों में नौकरियाँ अच्छी मिलेंगी, इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारे देश की आर्थिक समृद्धि आएगी। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे पे आंख उठा करके देख सके। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
चाइना हो या अन्य कोई देश हो, आज किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि भारत को आंख उठा करके देखे। अखिलेश यादव जी ने ये कहा है, अरे मंत्री जी शहीद हुए, अखिलेश यादव जी ने आज किसानों का हमारे सभी युद्धों में और हमारी स्वतंत्रता संग्राम सहित मैं बात करूंगा कि उस समय के शहीदों को तमाम हमारी जो लड़ाइयां हुई हैं, चाहे बॉर्डर पे हुई हों या आतंकवादियों से बॉर्डर के अंदर हुई हों, इन सारे युद्धों में, इन सारी लड़ाइयों में, इन सारे मुठभेड़ों में जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको सबको मैं आज आपके मार्फत विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। विशेष रूप से 1962 के युद्ध में जो हमारे लोग शहीद हुए थे हमारे देश की रक्षा करते हुए, उनको हमारी कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि।